गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जुड़ जाए सभी सॉरी फॉर डिले फिर से लेट हो गुड मॉर्निंग टू ऑल जब चीजें घर की हो तो ज्यादा लेट होते हैं इंसान है ना दूर की चीजें लोग टाइम से करता है घर की चीजें लेट करता है चलिए, गुड 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 मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग। सभी जुड़े एक बार फटाफट सभी जुड़े एक बार फटाफट कांति सिंह गुड मॉर्निंग अलवादी इंजीनियर गुड मॉर्निंग विनोद गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फटाफट से जुड़े एक बार लाइव आ जाए सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर दें चलिए आज ट्वेंटी सेवन्थ जो सेशन है हमारा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ट्वेंटी सेवन्थ है आज मेरा है ना आज मैं क्या देखूंगा लास्ट टाइम भी हमने क्या देखा था लास्ट टाइम आपने देखा था कि न्यूमेरिकल हमने किया था ठीक है सो आज भी हमारा क्या होगा इसमें न्यूमेरिकल ही होंगे चलिए जिसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम लैग कर पा रहे हैं मैं जैसे बोल रहा था कि आप वोल्टेज को प्रॉपरली नहीं समझ पाते है ना कि कहां पैरेलल ब्रांच है पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है पर जब इंप्लीमेंट की बात होती है तो वहां पे आप रुक जाते हो वहां पे कहीं ना कहीं चीजें आप कंप्लीट नहीं कर पाते है ना और इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाते सर्किटों में चलिए सो स्टार्ट करता हूं मैं यहां पे चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सचिन जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर जी राजेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग है ना तो करें स्टार्ट है ना कर देता हूं शुरू ठीक है लगते हैं फिर एक बार लग जाते हैं चलिए चलिए जल्दी से जुड़ें, फटाफट जुड़ें, फटाफट जुड़ें, ताकि सेशन को अच्छे से स्टार्ट कर सकूं। आइए आइए चलिए आज के सेशन में मैं देखूंगा यहां पे, आज के सेशन में न्यूमेरिकल होगा जो आप लास्ट टाइम मिस कर रहे थे उसी चीज को हम करेंगे कि फिर फंसे कहां क्वेश्चन में कहां फंसते हो आज फिर पैलल में कहीं न कहीं फंस जाओगे कि सर ये पैलल के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे उसी को मैं इंप्रूव करूंगा और आज जैसे ही न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट होगा कल हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे जो थ्योरी 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 होगा आपका ना तो चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए फटाक से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है एकदम सिंपल क्वेश्चन देता हूं पहले अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन तभी पता चलेगा कि आप इसको बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं है ना यहां पे वोल्टेज है थर्टी थ्री वोल्ट है ना यहां है, सॉरी रेजिस्टेंस है एलेवन ओम यहां है फाइव ओम यहां है सेवन ओम यहां है एलेवन ओम आपसे पूछ रहा है ऐसे कंडीशन में सर्किट से कि बताइए इस ब्रांच का करंट क्या होगा इस ब्रांच का आई एल फाइंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आई एल ऑफ गिवन फाइंड आई एल ऑफ गिवन सर्किट फाइंड आई एल ऑफ गिवन सर्किट एक बार निकालिए तो प्लीज कैलकुलेट इट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर बढ़िया सर अभी सर जस्ट क्लास ले रहा हूँ मैं इसके बाद जस्ट निकलूंगा बिल्कुल 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 मैं अभी ऑनलाइन क्लास में हूँ आपसे करता हूँ सर निकल के आधे घंटे में ना ओके 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 फटाक से इसका जवाब देंगे आप सभी है ना चलिए जवाब देंगे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जवाब देंगे ऐसे क्वेश्चंस का है ना आपसे पूछ रहा है इस ब्रांच में करंट कितना होगा ये बताइए आज कहीं काम था मुझे जाना था बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए लगातार कंटिन्यू कर रहा हूं मैं सोचा क्यों क्लास ब्रेक हो चाहे 30 मिनट का ही क्लास हो जाए आज इस टॉपिक को खत्म करके कल नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो आज न्यूमेरिकल में मुझे नहीं लगता कि अब आपको पैलल समझने में दिक्कत होगा सीरीज समझने में दिक्कत होगा आई होप वो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए सो so, बताएं एक बार बताएं बताएं व्हाट इज द वैल्यू सिक्स चलो अलबादी का आ रहा है सिक्स एम्पियर है ना सिक्स एम्पियर एंड रिमेनिंग वन रिमेनिंग वन छे एम्पियर सात ओम है या कुछ और है सेवन ओम है ये बिल्कुल सेवन ओम है आप देखो इसको बढ़िया से सेवन ओम है है ना चलिए तो, अलवादी शिक्स, के रिजल्ट आना चाहिए फटाफट से जवाब देंगे फटाफट जवाब देंगे इतना वक्त क्यों लग रहा है इसका मतलब यही चीज है इंप्लीमेंटेशन नहीं करना आ रहा है ना सब चीज जान रहे हो पर इंप्लीमेंट नहीं करते इसका यही दिक्कत है कि लैक ऑफ क्वेश्चन की राजेंद्र कुमार थ्री एम्पियर विनोद ने दिया है थ्री एम्पियर विनोद ने दिया है रिमेनिंग फोर पॉइंट सेवन दिया, दिया, दिया सचिन कुमार ने भी है ना सो so, क्यों ऐसा क्वेश्चन में क्यों आप गलती करते हो क्या करते हो वह भी देखो वेरिएशन कैसे दिख रहा है ना कैसे वेरिएशन दिख रहा चलो एक ने दिया विनोद ने थ्री एम्पियर दिया है एक ने थ्री एम्पियर भी दिया है चलिए 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 अब समझा रहा हूं मैं अब आपको समझा रहा हूं ध्यान से समझिएगा अब छोड़िए यानी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे ठीक से समझिए इसको मैं रफ करता हूं आपके जो भी आंसर है वो स्क्रीन पे है ऑलरेडी अब समझिएगा आपको देखना आना चाहिए पेल सर्किट को पेलल यही बार बार फोकस कर रहा हूं और ये यह यही नहीं पूरे थ्रू आउट पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के किसी भी सब्जेक्ट में सर्किट अगर आप देखना सीख जाओगे तो क्वेश्चन फटाफट बनेंगे आइए कहां से बात कर रहा हूं देखिए ये सर्किट की अगर बात करो तो ये एक ब्रांच है इसके पेल में कौन सा ब्रांच है जी इसके पेलल में सेम ब्रांच है इसका मतलब इसके अक्रॉस अगर कोई वोल्टेज पूछे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा थर्टी वोल्ट क्योंकि ये में आपस में ये वायर तो शॉर्ट ही है ना में सो so, यही सॉर्ट वायर आगे भी खींचा गया इसका मतलब कहूं वोल्टेज कि कितना तो हम ये भी कहेंगे इंपॉर्टेंट तो सो होगा, होगा। सोचना तो ये पेल में नहीं है ये डायरेक्टली तब होता जब ये रेजिस्टेंस नहीं होता लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट के अगर सोचना चाहूं इस पॉइंट से ध्यान समझिएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट अगर पैल सोच चर्चा हूं तो ये दोनों मिलके ये दोनों मिलके इसके पैरल है ये दोनों मिलके इसके पैरल है इसका मतलब अगर पैरलिज्म को देखना है तो और बेहतर तरीके से आप देख सकते हो 33 वोल्ट एक 11 ओम नेक्स्ट ये 5 ओम और नेक्स्ट अगर पैरलिज्म देखना है ये सीरीज में है ना दोनों सो so, इनको एक साथ कर लू तो भी कोई दिक्कत नहीं एक है चार एक है सात एक है चार और दूसरा कितना है जी सात बताइए बताइए अब पैलल में दिख रहा है कि नहीं बताइए देखने का नजरिया होना चाहिए सो इस पॉइंट से इस पॉइंट में ये ब्रांच इन दोनों ब्रांच के मिल के पैलल में है। सो इन दोनों के मिल के पैलल में अब दिख जाएगा ये फट से आपको पता चल गया कि 33 वोल्ट इसके पैल है तैतीस वोल्ट इसके पैलल है और यहां से यहां तक के वोल्टेज भी कितना है तैतीस वोल्ट तो यहां से यहां से वोल्टेज कितना है तैतीस वोल्ट अगर आपने ये देख लिया और इन ब्रांच में रजिस्टेंस दोनों मिल है तैतीस वोल्ट सो ये थर्टी ये कितना हो गया एलेवन और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना थर्टी थ्री वोल्ट सो करंट बताइए इस ब्रांच में ऑबली आप कहोगे कि सर इस ब्रांच में अगर एक में तीन है और एक में कितना है एक में चार है एक में सात है और इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर तैतीस वोल्ट है तो मैं आसानी से कह सकता हूं इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है आसानी से कह सकता हूं कितना करंट जा रहा है तो आपको थर्टी थ्री बटर इलेवन इज इक्वल टू थ्री एम्पियर इज योर राइट आंसर इस ब्रांच में कितना जा रहा है थ्री सो so, पेलरल देखने का नजरिया आपको होना चाहिए कि थ्री एम्पियर करंट यहां से गुजर रहा है <laughs> ठीक है सात और चार पे वोल्टेज डिवीजन भी लगा देंगे वोल्टेज डिवीजन रूल अभी बता देंगे वो भी हो जाएगा है ना वो भी हो जाएगा आप चाहें तो यहाँ वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं क्या होगा तैतीस का यहां पे वोल्टेज कितना यहां पे कितना वोल्टेज तो वोल्टेज डिवीजन रूल बताएंगे करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल सबसे पहले सर्किट को पैरेलल में समझना आना चाहिए अगर ये चीजें आ जाएगी आपको पता होना चाहिए ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल अब ये दोनों मिलके इसके पैरेलल ऐसा नहीं कि ये सीधे इसके पैरेलल होगा क्योंकि बीच में ये रेजिस्टेंस आ चुका है बीच में ये रेजिस्टेंस आ चुका है क्लियर होगा मजा आ गया सर बिल्कुल विनोद ठीक है आई होप चीजें क्लियर होंगी है ना चीजें क्या होंगी क्लियर होंगी अब आसानी से इस चीज को समझ सकते हो पैरेलल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है हम डेली बोलते हैं हर बच्चा जान रहा होगा लेकिन जब सर्किट में इंप्लीमेंटेशन की बात आती है नहीं कर पाता है इंप्लीमेंट सो so, आपको ये चीजें क्लियर होंगी चलिए आगे बढ़ते हैं लगा सकते हैं केसीएल क्यों लगाने जाए पैरेलल में दिख रहा है सब केसीएल क्यों लगाने जाए सर्किट को क्यों बड़ा करें है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आइए आइए यहां है थ्री एम्पियर ये है टू ओम ये है टू ओम रहने दो इसको छोटा सर्किट से ही देख लेता हूं पहले यहां है फाइव एम्पियर यहां भी है फाइव एम्पियर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका वोल्टेज ड्रॉप बताइए है ना एक वोल्टेज बताइए और दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका करंट बताइए है ना एक पूछ रहा है आपसे फाइंड वीडी हालांकि इस क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है और एक आई फाइंड वी डी कितना होगा वोल्टेज ड्रॉप एंड आई कितना होगा इस परिपथ में है ना ये दोनों कैलकुलेट करिए एक बार सर यदि 11 और 3 के बीच में शॉर्ट वायर की जाएगी तो रेजिस्टेंस हो तब सक करें क्या बोल रहे हो बताओ नहीं समझ मारो क्या बोल रहे हो आर इक्विवेलेंट पहले करा दिया हूं मोहम्मद इरशाद आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं पहले कराया हूं ना आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सर पांच ओम करिए सॉरी ओके 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 पांच ओम कर रहा हूं पांच ओम पांच ओम एम्पियर लिखे हैं बिल्कुल बिल्कुल चलिए चलिए बीटेक के बाद आईटीआई कर सकते हैं क्या क्यों नहीं कर सकते अब तो बहुत सारी फैसिलिटी आने लगी ना कि आप चीजों को बीच में छोड़ के भी नए कोर्स को एडॉप्ट कर सकते हैं वी एस सिक्स वोल्ट एंड प्रभात वन पॉइंट फाइव एम्पियर चलिए एक ने बताया है प्रभात ने और अनदर रोशनी सिक्स वोल्ट एंड वन पॉइंट फाइव एम्पियर वन पॉइंट फाइव बिल्कुल आसान था बिल्कुल आसान था सो so, अगर वी डी की बात करूं वी डी की बात करूं ये करंट तीन एम्पेयर कहीं गुजरेगा इस परिपथ से यहां से भी और यहां से भी सो so, यहां का वोल्टेज की बात करूं तो तीन एम्पेयर गुना दस सो so, छ वोल्ट है ना छः वोल्ट तीन एम्पियर गुना दो और यहां इसकी बात करूं करंट की तो तीन एम्पियर आएगा और इस नोड पे सोचेगा मुझे कैसे कैसे अभी चूंकि अलग अलग रोम नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी आपको वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन रूल नहीं बताया है ना सो ऐसे कंडीशन में अभी आप देखिएगा यहां है पांच ओम और यहां है पांच सो वन पॉइंट फाइव यहां से गुजर जाएगा वन पॉइंट फाइव यहां से गुजर जाएगा सो so वैल्यू कितना होगा वन पॉइंट फाइव कुछ भी नहीं था ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है है ना चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ भी नहीं था ऐसे क्वेश्चन में अब समझिएगा क्वेश्चन पैरेलल आपको देखना आना चाहिए पैरेलल आपको देखना आना चाहिए ये है दस वोल्ट यह है पांच ओम है ना यह है आपका ट्वेंटी ओम यह भी है ट्वेंटी ओम और यह है आपका टेन ओम है ना आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ध्यान समझेगा क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे परिपथ में ऐसे परिपथ में सबसे पहले इस ब्रांच का करंट बताइए पहला एक इस ब्रांच का करंट बताइए दूसरा इस ब्रांच का वोल्टेज बताइए इस ब्रांच का वोल्टेज बताइए सो so, दो क्वेश्चन यहां पे पूछे गए एक तो उस ब्रांच का वोल्टेज सो फाइंड फाइंड आई एंड वी ऑफ गिवन सर्किट आई and वी ऑफ गिवन सर्किट 25 तारीख को आलोक रंजन बिल्कुल 25 तारीख को 11 बजे थोड़ा से ज्यादा सही कर देता हूं ये लीजिए बताइए इस परिपथ में करंट क्या होगा और यहां का वोल्टेज क्या होगा करंट सुबाश 0.5 पॉइंट फाइव वोल्टेज पांच वोल्ट जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर प्रिंस दस वोल्ट अब बताओ इसमें भी गलतियां हैं इसमें भी गलतियां आ रहा है है ना बहुत तो जवाब नहीं दे रहा और बहुत गलतियां कर रहा है बताइए कैसे होगा बताइए कैसे होगा बताइए 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 अभी तो सर्किट सब एकदम सिंपल दे रहा हूँ ना कि ताकि आप लोग इंप्रूव करो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए मैं दे रहा हूं इंप्रूव कैसे होगा बताइए कैसे होगा इंप्रूव जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर चलिए सॉल्व करता हूं फटाफट आप लोग प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए हमेशा हमेशा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए अभी वोल्टेज डिवीजन रूल का एक नया ही लेक्चर चलेगा ठीक है अब देखिएगा यहां पर यहां पर कुछ चीजों की चर्चा की जाए देखिए ये वोल्टेज जो है इस ब्रांच का

आपको पैल में वोल्टेज मिल गया है यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज आपको कितना मिला है दस वोल्ट कितना मिला है जी टेन वोल्ट और देखिएगा यहां पे यहां पे 10 वोल्ट मिल गया अब बताइए इस परिपथ में इसके अक्रॉस वोल्टेज है 10 और रेजिस्टेंस कितना है 10 तो ये रहा और 20 और 20 पैरेलल में तो ये क्या देगा 10 20 और 20 पैरेलल में तो क्या देगा 10 सो so, 10 वोल्ट 10 ओम यहां रहा 10 ओम यहां रहा सो so, टोटल कितना बच गया है इसमें 10 ओम यहां और 10 ओम यहां और आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना दिख रहा है आपको कि सर 10 वोल्ट दिख रहा है सो so, इस परिपथ में करंट कितना करंट कहोगे 10 बटा 20 सो वैल्यू 0.5 एंपियर ये तो बहुतों के ठीक है ये तो बहुतों के सही है है ना सॉरी ठीक है क्लियर फाइव वोल्ट प्रिंस बोल्ट आए चलो ठीक है ना तो यहां तो आपको क्या दिख रहा है जीरो पॉइंट फाइव एमपियर इसका मतलब है इस परिपथ में करंट कितना जा रहा है जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर है ना सो so, अगर यहां की बात करूं तो यहां कितना जा रहा है जीरो पॉइंट फाइव एमपियर अब जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर और दो समान ब्रांच में यहां बट रहा है दो समान ब्रांच में बट रहा है तो यहां कितना जाएगा और यहां कितना जाएगा है ना अब ये भी देखना है यहां कितना जाएगा तो आपको भी सर इसमें जाएगा 0.25 एंपियर और इसमें भी कितना जाएगा 0.25 एंपियर पेन चेंज कर ले रहा हूं एक सेकंड ये लो यहां कहोगे सर 0.25 एंपियर यहां से जाएगा और 0.2 क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है और यहां से कितना मिल जाएगा फिर 0.5 एंपियर सो यहां का वोल्टेज कितना होगा इसके अक्रॉस तो so, वोल्टेज की अगर कोई बात करें तो क्या कहेगा 0.25 एंपियर गुना ट्वेंटी सो so, कितना हो जाएगा इसको काटो यहां पे हंड्रेड लिखो पच्चीस चौका स पांच सो टोटल वोल्टेज कितना हो गया वहां का फाइव वोल्ट यानी इस एक रेजिस्टेंस के अगर पूछा जाए तो कितना होगा? 5 बोलिए 5 बोल चीजें क्लियर है एक एम्पियर क्या दिखा रहे हो बताओ संतोष कुमार एक एम्पियर क्या है आपका बताइए फटाफट से बताइए एक एम्पियर क्या है आपका एक एम्पेयर क्या है आई होप आज सत्ताईसवा सेशन है सर्किट सागर का लिखा हुआ मेन पेज पे छब्बीस है ना सत्ताइसवा है भाई जितने लोग देख रहे हैं वो वीडियो को तो लाइक कर दें ओके okay, कोई नहीं वो तो होता रहेगा है ना लाइक भी चलते रहेंगे लेकिन कभी फोकस कीजिए क्योंकि मैं डिमांड नहीं करता चलिए क्लियर क्लियर आई होप क्लियर होनी चाहिए चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं सब होता रहेगा बस आपकी दुआएं हैं जिसके कारण लगा हुआ हूं चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए इस बार वोल्टेज सोर्स यहां लगा दिया और इस बार रेजिस्टेंस को यहां लगा दिया एक और रेजिस्टेंस यहां लगा दिया समझिएगा है ना और एक और रेजिस्टेंस यहां लगा दिया और एक और रेजिस्टेंस यहां लगा दिया है ना एकदम बेसिक क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है ये है ये है दोम, है ना ये है ये है ये ये है ये है? ठीक एक ओम आपसे पूछ रहा है इस परिपथ में करंट बताइए कितना है इस परिपथ में करंट बताइए कितना है अगर यहां का वोल्टेज दस वोल्ट है अगर यहां का वोल्टेज ये नॉर्मल ओम्स लॉ पे चल रहा है अभी सर्किट ओम्स लॉ पे चल रहा है चलिए चलिए सब लोग प्रेजेंट अभी कोई नहीं लगाया कोई बात नहीं सब होता रहेगा सब होता रहेगा चलो बताइए चीजों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है है ना अगर आप सीखते हो तो किसी को कन्वे करिए कि हाँ क्या आपको मिल रहा है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे है ना तो वो शेयर कर सकते हैं ठीक है और किसी को आर एस सी बी का कोर्स वगैरह चाहिए तो आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे विजिट कर सकते हैं स्टोर में ओके चलिए चलिए बताएंगे बताएंगे मुझे बताएंगे एक बार फटाक से इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है 3.3 पॉइंट एक आंसर आ गया 3.3 पॉइंट इतने सिंपल क्वेश्चन में आंसर की वेरिएशन देख लो एक बार कितने ज्यादा है इतने सिंपल क्वेश्चन में अगर इतने ज्यादा आंसर के वेरिएशन होंगे तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि टफेस्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सो फोकस ऑलवेज बेसिक कॉन्सेप्ट है ना बेसिक कॉन्सेप्ट जिन्होंने 26 लेक्चर अब तक के नहीं देखे हैं वो प्लीज एक बार देखें एक दिन अगर दो दिन लगाओगे तो देख सकते हो पूरा तीन दिन लगाओगे तो पूरा देख सकते हो पर उसको मिस ना करें उसको मिस करते हो डायरेक्ट यहां ज्वाइन करोगे ना कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा और मेहनत करिए प्रैक्टिस करिए है ना देखिए सर्किट में अगर करंट पूछा है तो यानी अभी इसी ब्रांच से निकला हुआ करंट है टोटल करंट पूछा गया है सर्किट में इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा सबसे पहले करंट पूछा है ठीक है तुरंत देखिए पहले सर्किट को रिड्यूस करना आना चाहिए ना रिडक्शन टेक्निक आपको आना चाहिए फटाक से क्वेश्चन बनने लगेंगे अभी अभी मैं ये भी क्वेश्चन इसमें आएगा कि जैसे में आपको परेशान ना करें कि रिड्यूस कैसे करते हैं और फिर को तोड़ के कैसे करंट निकालते हैं यहां भी उन बेसिक को कवर कर लेंगे ताकि परेशान ना करे ओके चलिए 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 अब यहां पे देखिएगा यहां पे मैं बात करूं तो सबसे पहले ये दोनों आपको सीरीज में दिख जाएगा है ना तो सर्किट को करंट निकालना हो तो सर्किट को छोटा करने की कोशिश की ये कितना हो जाएगा एक सॉरी सीरीज में दिख गया तो कितना दिख जाएगा आपको चार ओम कितना दिख जाएगा चार ओम एक के पैरल में है सो so, इस एक के पैरल में कौन है जी ये चार ओम और ये एक के पैरल में है और इसको आसान बनाना है तो ये क्या है इसको ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए सर्किट और आसान बन दिखेगा ये है दो ओम और ये है दस वोल्ट सर्किट और आसान दिखेगा अब ये दोनों पैनल में इसको भी क्या करिए छोटा करिए सो so, चार और एक में पैनल होगा तो क्या हो जाएगा चार बट्टा पांच ओम चार बट्टा पांच ओम इसका मतलब इस सर्किट को और छोटा करूं इस सर्किट को और छोटा करूं तो क्या दिखा रहा है ये माइनस प्लस यहाँ पे वोल्ट है दस और यहाँ पे कितना है दो है ना यही तो आप लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हो और ये रहा कितना इनका निकला चार बट्टा अब बताइए इस परिपथ का करंट नहीं निकल जाएगा इस परिपथ में करंट तो यही है यही है अब बताइए इस परिपथ का करंट निकालना हो करंट का डायरेक्शन बेशक ऐसा है कैसा है ऐसा है सो so, इन दोनों आपको क्या दिख रहा है ये दोनों सीरीज में दिख रहा है ना ये दोनों आपस में क्या है सीरीज में सो चार बट्टा पांच प्लस दो कितना वैल्यू देगा पांच ले लो तो चार प्लस दस सो चौदह बट्टा पांच चौदह बट्टा पांच लिखा जा सकता है इस रेजिस्टेंस को चौदह बट्टा पांच लिखा जा सकता है इस रेजिस्टेंस को सो so, बताइए कोई ना समझे तो बताएंगे सो so, अब फाइनली क्या बचा इस सर्किट में एक दस वोल्ट का सोर्स बचा और रेजिस्टेंस कितना बच गया जी चौदह बट्टा पांच फोर्टीन बट्टा फाइव और यहां कितना वोल्ट है दस वोल्ट कितना है दस वोल्ट अब बताइए यहाँ पे करंट पूछ रहा है यही तो करंट पूछ रहा है ये करंट उतना ही डिलीवर करेगा सोर्स जितना टोटल के बराबर होगा ये करंट वही बता देगा सो so, अगर आपको वैल्यू निकालना है फाइनली तो क्या हो जाएगा दस बटा चौदह गुना पांच सो so, फैलू पचास बटा चौदह चौथे बयालीस है ना बयालीस के बाद के बचा आठ बटा अस्सी थ्री एम्पियर कितना फ्लो कर रहा जी क्लियर है? क्लियर है? तो थ्री पॉइंट सिंपल था मेरा कॉमन दुख रहा है कमेंट दुख रहा है ओके डेमो चलो चलो क्लियर है चीजें है ना तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन में क्या परेशानी होती है क्यों नहीं बना पाते ये बता क्यों नहीं बना पाते कितना सिंपल क्वेश्चन है थ्री पॉइंट फाइव क्लियर है तो सो so, अभी तक मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चन नहीं दिए हैं वही क्वेश्चन दिए जो अब तक मैंने सिखा के लाया है इवन करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन रूल का भी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं क्योंकि जब तक वो पढ़ाऊंगा नहीं उससे क्वेश्चन को रिलेट करूंगा नहीं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की पूरी कोशिश करिए नेक्स्ट एक करेंट सोर्स है थ्री एम्पियर का और एक और रेजिस्टेंस लगा लो दो ओम का यहां एक रेजिस्टेंस है थ्री ओम का ध्यान से समझिएगा एक वोल्ट मीटर है एक इसके बीच वोल्ट मीटर है और एक और रेजिस्टेंस लगा रहा हूं थ्री ओम का यह है आपका वोल्टमीटर यह है आपका वोल्टमीटर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग बताइए क्या होगा फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर क्लियर कि को कैसे स्ट्रांग करे सर सर्किट को कैसे करे लगातार अभी सर्किट पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि स्ट्रांग और उसमें भी स्ट्रांग कैसे करें अगर यहां स्ट्रांग ना होगा तो मुझे नहीं लगता कोई इतना डिटेल में चीज़ों को बताएगा आपकी कमजोरी को समझ के बताएगा वो अपने टॉपिक को खत्म करते जाता है और आगे बढ़ते जाता है कोई मतलब नहीं होता कि आप में कितने लैगिंग है मैं उन लेवल तक जाके गिरता हूं जहां तक आप चीज़ों को मिस कर रहे होते वहां पर जाके चीज़ों को उठाने की कोशिश करता हूं बिल्कुल स्पीड से चलो सर बिल्कुल बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए 4.5 पॉइंट फाइव एम्पियर फोर पॉइंट फाइव चलिए एक का आंसर आ गया 4.5 पॉइंट फाइव अरे एम्पियर में ये वोल्ट ना सॉरी ठीक है 4.5 पॉइंट फाइव वोल्ट फोर पॉइंट फाइव वोल्ट बिल्कुल थोड़ी स्पीड देता हूँ पिकअप देता हूँ चलो 4.5 पॉइंट फाइव वोल्ट फोर पॉइंट फाइव वोल्ट और बाकी 4.5 पॉइंट फाइव बोल्ट प्रिया 4.5 पॉइंट फाइव वोल्ट रिमेनिंग ईएडी 4.5 वोल्ट 4.5 वोल्ट चलिए सभी के जवाब आ रहे हैं लेकिन बहुत कोई जवाब नहीं दे पा रहा बताइए क्यों नहीं दे क्यों नहीं क्यों नहीं या तो बीच से आके जुड़े हो पहले शुरू दिन से क्लास नहीं किए हो यही तो एक मकसद हो सकता है यही चीजें हो सकती है देखिए तीन एंपियर करंट बेसक यहां से भेजेगा 3 एंपियर करंट यहां से भेजेगा 3 एंपियर करंट जब भेजेगा तो तीन एम्पियर ये सब ब्रांच आपस में क्या है पैलल में आपको दिखना चाहिए ये इसके पैलल है ये इसके पैल है ये इसके पैलल है और ये दोनों मिलके इसके पैलल है सो so, तीन एम्पियर करंट जब यहां तक आया होगा तो सोचा होगा किन किन ब्रांच से जाना है क्योंकि तीन ही एम्पियर आना यहां पे सो so, तीन एम्पियर करंट यहां से गया होगा और दूसरा रास्ता उसको कौन सा मिला होगा ये यहां से गया होगा और ये दोनों मिलकर फाइनली तीन एम्पियर कोई कहेगा यहां कहल्ट मीटर से करंट तो जा ही नहीं सकता वोल्ट मीटर से करंट जा ही नहीं सकता क्यों क्योंकि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है इनफाइनाइट इंटरनल वोल्टमीटर का क्या होता है इनफाइनाइट इस कंडीशन में देखिएगा इस कंडीशन में क्या होगा आपका करंट यहां पे तीन आया और दो समान रेजिस्टेंस है यहां भी तीन एमपियर और तीन ओम और यहां भी तीन ओम सो करंट दोनों भागों में बट जाएगा एक यहां बटेगा 1.5 और ये करंट भी बटेगा 1.5 के रूप में ये भी बटेगा 1.5 अब देखिए केसीएल इस नोट पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा थ्री एमपियर नहीं मिल जाएगा वन पॉइंट है ना ये भी मिल गया लेकिन इस ब्रांच में करंट कितना गया आपको के सर वन सो वोल्टेज दिखेगा क्या पेलल का वोल्टेज वोल्टेज क्या दिखेगा पेलल में वोल्टेज वोल्टेज देखेगा पैलल में तो यहाँ का वोल्टेज भी सेम होना चाहिए यहाँ का वोल्टेज सेम होना चाहिए यहाँ का भी वोल्टेज सेम होना चाहिए और यहाँ का वोल्टेज सेम होना चाहिए सो so, किसी वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो क्या होगा थ्री क्रॉस वन पॉइंट फाइव सो वैल्यू फोर पॉइंट फाइव वोल्ट वैल्यू फोर पॉइंट फाइव सर्किट को आपको देखना आना चाहिए कि पैलल में है ये देखिए और सर्किट को और दिखाना है ना इसको मान लो ए पॉइंट इसको मान लो बी पॉइंट ये देखिए सर्किट को और अच्छे से अगर देखना है सर्किट को आपको और अच्छे से देखना है मैं बहुत वीक वीक था सर आ, सब वीडियो मैंने देखा है और प्रैक्टिस किया है आ, अब पहले से इम्प्रूव हुआ है और इम्प्रूव होगा अभी चलिए बेसिक तो अभी बेसिक ही नहीं खत्म हुआ है हमारा जिस दिन मैं मेस एनालिसिस फाइनल करा दूंगा थ्योरम पे चलूंगा उस दिन बोलूंगा आपका बेसिक बहुत हद तक कंप्लीट होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए कहीं छूटना ही नहीं चाहिए चाहे उसके लिए जितना भी प्रैक्टिस करना पड़े मुझे कराऊंगा मैं है ना सो so, इस पॉइंट को अगर मैं बोलूं ए पॉइंट मानिए और इसको बी पॉइंट मानिए तो सर्किट को देखने का नजरिया आपका कैसा होना चाहिए एक बार देखिएगा देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए कि अगर एक पॉइंट यहां ए है और यहां बी है तो इस वार्ड में एक रेजिस्टेंस है थ्री ओम का और ये दोनों मिलके कितना है ये एक करेंट सोर्स और ये मिलके भी ऐसा है है ना ये ऐसा है ये है थ्री एम्पियर का और ये है दो ओम का सो आपको और दिखना चाहिए क्या कि एक और रेजिस्टेंस है कोई चेंज ना हो तो वोल्टमीटर को क्या कीजिए उधर धकेल दीजिए रजिस्टेंस को इधर लाइए कनेक्शन में चेंज नहीं होनी चाहिए सो लेके आगे और इसी के पैनल में आपको दिखेगा सॉरी यहां पे क्या है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है और इसी के पैनल में आपको क्या दिखेगा वोल्टमीटर इसी के पैलल में क्या दिखेगा आपको वोल्टमीटर तो पता है सब आपस में पैलल में नहीं दिख रहा है ये पैलल में ये पैलल में ये पैरलल में ये पैरलल में देखने का नजरिया सही बनाइए चीजें सही और इस बार सभी में जवाब सही दिया सभी ने जवाब सही दिया चलिए चलिए और तरीका हो सकता है कि जहां आप फंस सकते हैं और ऐसे कई तरीके हैं जहां आप फंस सकते हैं चलिए यहाँ है आठ ओम यहाँ है चार ओम यहाँ है सोलह ओम यहाँ है दो ओम और यहाँ है आर इजकल टू यहाँ है दस ओम पूछा गया आपसे इस सर्किट में अगर वोल्टेज वी अप्लाई किया जाए जिसका मीनिंग है ट्वेंटी वोल्ट जिसका मान है ट्वेंटी वोल्ट तो बताइए इस परिपथ में करंट कितना होगा बताइए इस परिपथ में करंट कितना होगा सर मेरा कमेंट दिख रहा है पंकज बोलिए क्या है पंकज प्रिया जी यस सर ओके हाँ पंकज ओके हाँ पंकज बिल्कुल पंकज आपका कमेंट दिख रहा है बताएंगे इस सर्किट में करंट कितना है दाइम विजिबल ओके डेमो चलिए जीरो एम्पियर किसी ने दो एम्पियर दिया चलिए चलिए जवाब देखते हैं सबका जवाब देख लेते हैं सबका जवाब देखेंगे जीरो जीरो बहुतों के जवाब जीरो आएंगे बहुतों के जवाब जीरो आएंगे बहुतों के जवाब जीरो आएंगे और जीरो वाले एकदम बड़ा बड़ा जीरो आ रहा है बिल्कुल 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 कितनी खुशी से जीरो दे रहे हो क्या सोच के दे रहे हो कभी ये सोचा है कि क्या ये ब्रिज है बताओ बैलेंस ब्रिज है वाह वाह तिलक सिंह मुझे पता है ऐसा सर्किट देखते ही कहते हैं बैलेंस ब्रिज है अच्छा इसको ब्रिज बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे इसको क्या बोलोगे बताइएगा थोड़ा सा इसको अगर ब्रिज आप बोल देंगे तो इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे इसको ब्रिज बोल देंगे सुभाष दिस इज नॉट अ ब्रिज सर्किट बिल्कुल ये देखते ही बच्चे ब्रिज बोलते हैं और मैंने इसके क्वेश्चन पहले भी लगाए उसके बावजूद ये स्थिति है आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए बट वहां पहले इक्वेलेंट रेजिस्टेंस निकलवाया इस बार करंट निकाल रहा हूं क्योंकि हमने ओम स्लॉप पढ़ लिया है है ना इससे पहले हमने इक्वलेंट रेजिस्टेंस में करंट नहीं निकलवाया था पहले ये जानने की कोशिश किया था कि तब भी आपके माइंड में आ जाए कि आप इसको ब्रिज कहते हो समझने की कोशिश हमेशा करना चाहिए ब्रिज कौन सा होता है गुड मॉर्निंग ब्रिज नहीं है सर बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है नहीं है सर ठीक है और आशीष जी ने दो एम दिया और कुछ कुछ बच्चों ने दो एम दिया यानी सर्किट को सीखना शुरू कर दियो सर्किट समझना शुरू कर दियो एक्चुअली सर्किट बहुत आसान होते हैं सर्किट अगर थ्योरी आपका सर्किट अगर आपका बहुत अच्छा है तो सोए हुए रहोगे ना तो बीस नंबर उठा के लाओगे सोए भी स्थिति में रहोगे तो बीस नंबर उठा के लाओगे सर्किट में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठता है तो कुछ तीनों पेल ब्रांच है इसको पॉइंट मानता हूं ए और इसको पॉइंट मानता हूं कोई बी बताइए ये ब्रांच देखिएगा ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल नहीं दिख रहा क्या ये आपस में पैरेलल नहीं दिख रहा और ये भी ब्रांच के आपस में पैरेलल नहीं दिख रहा तीनों ब्रांच टू सर बफर हो रहा है कहां बफर हो रहा है मुझे नहीं लगता आज बफर हो रहा है, है ना इंप्रूव हो जाएगा अगर बफरिंग भाई है बफरिंग भी है तो इंप्रूव हो जाएगा वेट कर ले थोड़ा सा ठीक है ना सो so ये ब्रिज का कंडीशन ही नहीं बनता ये ब्रिज का कंडीशन ही नहीं बनाएगा ये तो तीनों पेलल सर्किट है आपस में कैसा है जी पेल सर्किट है आई होप क्लियर होना चाहिए आई होप क्लियर होना चाहिए तीनों सर्किट पेलल में है फिर से ज्वाइन कर लो एक बार फटाफट ज्वाइन कर लो अगर बफरिंग है अगर बपरिंगे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए है ना सो ये तो ब्रिज था ये ब्रिज नहीं है तो तीनों ब्रांच पेल में दिखेगा तो तीनों ब्रांच पेलल में दिखेगा तो बताए ये दोनों सीरीज में है तो उन दोनों को एक साथ लाइए ऊपर वाले में कितना हो जाएगा दस ओम आठ और दो दस इसके पॉइंट को एक जगह मीट कराइए है, है ना नेक्स्ट ये वाला पॉइंट कोई कहेगा सर ये वाला पॉइंट तो है दस ओम सो इस पॉइंट को बोलूंगा कितना दस ओम और ये वाला पॉइंट भी के में so, 16, 4 कितने हो चार दोनों मिलके बीस बताइए यही नहीं जी यही ना दिया हुआ है कितना आसान था क्या क्या सोचते हो कितना आसान था क्या क्या सोचते हो चाहे तो इसी बार को यहां से भी जोड़ सकते थे कोई फर्क नहीं पड़ता सब क्या शॉर्ट वाइन और, और आसान दिखाना इसको यू आर ग्रेट धीरज कुमार थैंक यू चलिए ग्रेट तो क्या है पर हाँ मुझे पता है कि आपको सिखाना क्या है आप फंसते क्या हो इसीलिए इलेक्ट्रिकल आपको बहुत टफ लगता है अदरवाइज़ अगर इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी को बहुत अच्छे से सीख गए समझ गए कैसे करंट जा रहा है में तो मशीन वशीन भी कुछ टफ़ चीज़ थोड़ी ना वहां कुछ थ्योरी और वहां के कॉन्सेप्ट को सीखना है करेंट वोल्टेज ही हर जगह तो है उसको बढ़िया से कर लोगे सो अगर कोई यहां भी कंफ्यूज हो रहा है तो मैं उसको एक चीज़ और बता दूं कि कोई यहां ना लगा के यहां भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है इस सर्किट में यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है क्यों क्योंकि सब तो पैलल में ही है ये ब्रांच भी पैलल में ये ब्रांच पैलल में इस ये सीरीज में है ये इसके पैलल में ये इसके सीरीज में पर दोनों मिलके पैलल में और ये इसके पैलल में यहाँ का वोल्टेज कितना है ट्वेंटी वोल्ट यहाँ का वोल्टेज कितना है ट्वेंटी वोल्ट ठीक है अब बताइए सब पैल में तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना 20 वोल्ट तो यहां भी बोलता फट से करंट निकाल देते यहां भी बोलता तो तुरंत करंट निकाल देते इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हम कहेंगे सर 20 वोल्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हम कहेंगे सर 20 वोल्ट तो सब ब्रांच में चाहे तो हम करंट निकाल सकते थे तुरंत इसमें भी इसमें भी इसमें भी क्या करना था इसके पैलल में वोल्टेज है सर यहां पर लिख दीजिए बीस बट्टा दस सो वैल्यू टू एमपियर सो वैल्यू एमपियर यहां भी कोई क्या सर इसमें बताइए तो इसमें करंट कितना यहां सीधे बोलेंगे सर पहला में वोल्टेज सेम होता है सो बीस बीस बटा सोलह चार बीस यहां पर करंट कितना एक एम्पियर यहां पर करंट कितना एक एम्पियर कोई कहेगा इसमें भी सर करंट बता दो तो हम कहेंगे में वोल्टेज कितना बीस दिख रहा है सो so, बीस बटा रेजिस्टेंस कितना दस सो so, वैल्यू यहां पर भी कितना टू एमपियर सो so, टोटल करंट इस परिपथ में पूछ देता तो क्या करते हैं दो एम्पियर यहां इस ब्रांच से जा रहा है एक दो इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है तो टोटल करंट भी पूछता अगर आई टोटल पूछ देता है आई टोटल तो हम यहां पे जवाब बेशक बड़ी धरल्ले से दे देते हैं कि दो दो चार एक है ना दो, दो चार एक पांच एम्पियर एसी एनालिसिस में फंस जाता हूं धीरज बिल्कुल एसी भी नहीं फंसोगे एसी एनालिसिस भी नहीं फंसोगे इसकी मैं तो गारंटी देता हूं लेकिन हाँ सीखते जाइए चीजें अगर डीसी बहुत अच्छा हो जाएगा फिर एसी में नहीं फंसेंगे एसी हालांकि एसी में क्यों फंसूंगे इसलिए मैं दो दिन मैथ्स का क्लास लूंगा आपका इतना ध्यान रखना मैं इस बार चाहूं कि हर एक चीज को बहुत अच्छे से कर दूं इसलिए दो दिन मैथ्स का क्लास लूंगा एक दिन ट्रिगोमेट्री का लूंगा एक दिन उसको क्या बोलते हैं ट्रिगोमेट्री में ही आ जाएगा वेव के बारे में बताऊंगा जो मैथमेटिक्स आप ट्वेल्थ में पढ़ते हैं उसके बारे में और एक दिन ट्रिगोमेट्री के बारे में बता दूंगा कैसे साइन टेन कोट एंगल निकालते हैं चांद की दूरी अपन निकाल लेते हैं मैथमेटिक्स से तो कैसे निकालते हैं ये साइन टेन का ही माल होता है तो उसको आपको सीखना पड़ेगा अगर वहां मैथ में आप कमजोर हैं तो फिर कमजोरी तो आएगी एसी एनालिसिस में सो so, दो दिन मैं मैथ्स की क्लास लूंगा इसी सर्किट सागर के सीरीज में ओके सर आपको कोई ट्रेंड नहीं लगाएंगे क्या रोजगार पे सर आप कोई ट्रेंड बिल्कुल हम ट्रेंड लाएंगे 25 तारीख को 11 बजे हम भी ट्रेंड करेंगे ठीक है ना हमने स्टेटस पे डाला था ना जी सब कुछ दो-दो दिन डाला है ठीक है ट्रेंड कराएंगे बिल्कुल ट्रेंड कराएंगे चलिए चलिए आई होप क्लियर हो चुका होगा सर्किट में फंसना नहीं है फंसना नहीं है हेलो सर मोस्ट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए चलिए और आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं और कहां फंसोगे इंचियों को देखते हैं फंसोगे कहां कहा? वो देखते हैं हम अब कुछ चीजें समझने की रखता हूं कुछ चीजें समझने की रखता हूं कुछ चीजें समझा रहा हूं ये क्वेश्चन नहीं बना रहा ये समझा रहा हूं आपको है ना समझा रहा हूं यहां क्वेश्चन नहीं बता रहा यहां कुछ चीजें समझानी है लाइक like शेयर कर दो बच्चे ओके कोई नहीं होता रहेगा अगर अच्छा लगेगा तो कर देगा ठीक है ना चलो हेलो प्रिया जी ओके चलिए खुद भी बातें चल चलिए आर थ्री आर फोर आज मुझे अर्जेंट कहीं काम था मुझे जाना था पर वो काम वेटिंग में है पता आपको उस काम को रोक रखा हूँ कि चले नहीं सीजन पहले सीरीज को ऑफ भी कर देता चलो आज टूडे सरकिट सागर विल बी ऑफ है ना पर मुझे लगता है कि आप लोग कंटिन्यूटी में बने होते हैं बहुत लड़का वेट करता है कई दिन तो कई बच्चे ऐसे हैं कि आंसुओं का फोटो भेजते हैं वो जो इमोजी आता है ना तो लग, उस टाइम बहुत दिल को चोट लगता है कि अरे कम से कम ले लेना था क्लास है ना इसीलिए मैं आज खड़ा हूँ यहाँ पे नहीं तो आज के डेट में ऑफ होता आज का क्लास चलिए 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 सर आप मिलने ज़रूर आऊँगा जॉब लेने के बाद बिल्कुल अंकित यादव जी बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकल थ्योरी भूल जाता बहुत जल्दी इससे कैसे पढूं? बिल्कुल हो जाएगा आप लगातार बने रहिए टाइम जरूर लगेगा अगर आप मैं बताता हूं, एक और बताता हूं हालांकि वो चीज़ आपको सर आप दोबारा बड़ा वो हो अगर आपके लाइव अगर आपके 500 से ज्यादा अगर लाइव आ जाए 500 से ज्यादा अगर आप लोग लाइव करा देते हो तो मैं दिन और रात एक करके आपको सारी चीज़ों को आइडिया दे दूंगा अगर 500 से ज़्यादा अगर टारगेट करते हो ना कि लाइव हो जाए आप लोग तो मैं कोशिश करूँगा कि दिन यानी पर डे एक नहीं सर्किट सागर के दो नहीं तीन नहीं चार चार लेक्चर आए पाँच पाँच लेक्चर आए अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो कि 500 और लाइव हजार बच्चे आ जाएं, इतने इंजीनियर तो हैं इलेक्ट्रिकल अगर लाइव करते हो तो मैं भी हर काम को छोड़ के मेरी कोशिश होगी कि मैं सर्किट सागर पूरा कंप्लीट कराऊं, मशीन जितना हो सके कंप्लीट कराऊं, मेजरमेंट जितना हो सके कंप्लीट कराऊं, पावर सिस्टम जितना फ्री ऑफ कॉस्ट में करा दूंगा लेकिन टारगेट है कि पांच से हजार लाइव होनी चाहिए मैं जरूर कोशिश करूंगा कराने की बहुत चलिए चलिए अब इसमें मैं क्या सीखने की कोशिश कर रहा हूं सर अभी बावन है बिल्कुल बिल्कुल मनोरंजन बावन है पर हमारी कोशिश है टाइम लगेगा पर धीरे धीरे बच्चे जुड़ जाएंगे टाइम लगेगा जुड़ जाएंगे सो 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 आज आइए मैं क्या बोल रहा था कि यहां क्या सीखने के लिए मैं आया हूं यहां पे चीजों को समझिएगा यहां पर यह सीखने आया हूं कि मैं क्या कह रहा था यहां पे आइए तो देखिए अगर इस ब्रांच से आपको पैल समझने की कोशिश करते हो अगर यहां पे सर प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जुड़ने की मैं ये चीज़ बोलने में मुझे बहुत गंदा लगता है सच बता रहा हूँ पर यह चीज़ है कि हाँ अगर चीज़ें यहाँ से इंप्रूव करने लगे ना बहुत ज़्यादा इंप्रूव करें हालांकि अभी हमारे पास सब्सक्राइबर ही बहुत कम है बट इम्प्रूव करने लगे तो मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताऊँगा मुझे भी अच्छा लगेगा बहुत इंजॉय करूँगा मैं है ना पढ़ाना मेरा एक डेडिकेशन है मैं शुरू से आज से नहीं जब मैं बी था एम था इवन मैं पी एच डी परसुइंग फ्रॉम एन जयपुर ओके बट मेरी कोशिश होती है कि मैं चीजों को बहुत ज्यादा बेहतर सिखा पाऊं बहुत बेहतर बहुत करवा पाऊं ठीक है ना चलिए 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 अब सो आ... so, यहां पे मैं बताऊं ना इन टर्मोलॉजी में अगर कोई कहेगी इसके पैरेलल कौन कौन है यहां का वोल्टेज चेक करने के लिए कोई कहे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कहां पे है समझिए ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि इसके अक्रॉस अगर कोई बोले वोल्टेज अक्रॉस कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं पे कुछ चीजें कोई बोले आर टू कितना होगा आर टू के अक्रॉस अगर सर डेली लाइव क्लास होता है बिल्कुल होता है, है ना चलिए चलिए यहां पे समझिएगा कोई कहता है कि आर टू के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा ये अगर चेक करना होगा तो कैसे करेंगे समझिए समझिएगा यहाँ पे आर के अक्रॉस अगर कभी वोल्टेज चेक करना हो तो ये कहता है कि मेरे अक्रॉस वोल्टेज अगर चेक करना हो तो दो तरीके से चेक किया जा सकता है एक कि अगर ये टर्मिनल ए है अगर ये टर्मिनल बी है तो यहां का वोल्टेज या तब निकल सकता है जबकि इस ब्रांच का करंट पता हो कई तरीके हैं इस ब्रांच का करंट पता हो मान लो आई वन पता हो और इन टू आर टू कर दो तब भी वोल्टेज पता चलेगा एक तरीका ये है देखिए समझने के तरीकों को सीखिएगा है ना दूसरा तरीका कोई कहता है और भी तरीके हैं यहां का वोल्टेज निकालने का अगर मान लो कि आपको यहां का करंट नहीं पता हो पाता है किसी कारण से यहां से करंट पर नहीं पता होता है तो हम देखेंगे इसके पैलल में कौन है इसके में कौन है तो मैं देखूंगा ये इंडिविजुअल एक वोल्टेज नहीं है इसके पैलल में एक ये रेजिस्टेंस आर वन प्लस दिस दो एलिमेंट मिलके इसके पैलल में है तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए देखिए हमारी कोशिश क्या होना चाहिए इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज इस दोनों के वोल्टेज के यहां पे लाना है सो so, अगर कोई पूछता हो इसकी वोल्टेज की प्लस माइनस में लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर समझ जाते हो तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करेगा यही नहीं हर जगह so, दिखाना है कभी भी वोल्टेज अक्रॉस ए भी दिखाना है तो अगर इसका करंट आप नहीं निकल पाते हो किसी कारण से तो और भी वोल्टेज बताने का तरीका है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा तो हमको पता होना चाहिए एक वोल्टेज वी एस तो है ही वी एस तो है अब यहां से करंट सर्किट में एक ही वोल्टेज सोर्स है तो करंट इधर से गया होगा तो हायर पोलैरिटी और, यह और यहां माइनस होगा चीजें क्लियर है यहां क्या होगा चलिए सर अभी खाते में काम कर रहा हूं सर अभी खाते में काम कर रहा हूं क्या बोल रहे हो खाते में काम कर रहा हूं चलो सर आप बहुत बढ़िया बढ़ाते हो चलो मशीन का क्लास कब होगा मशीन सर चलेगा वो भी चलेगा समझिए अब यहाँ पे समझिए ये वाला वोल्टेज क्या कह रहा है कि सर ये पेलल का वोल्टेज अगर कभी निकालना हो अगर आपको करंट आईवन नहीं निकाल पा रहे हो किसी को यहाँ पे करंट अवेलेबल है तो मान लो यहां पे आई करंट क्या है टोटल करंट आई क्या है टोटल करंट तो हम कहेंगे ये वी एस और माइनस वी एस माइनस ये ड्रॉप घट जाएगा क्योंकि यहां दस वोल्ट था तो रास्ते में कुछ ड्रॉप हो गया मान लो दो वोल्ट ड्रॉप हो गया सो कितना बचा इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज तो हम कहेंगे इस टर्मिनल के क्रॉस तो सर दस में से दो घटी आठ ही बचा सो यहां का टोटल बचा हुआ वोल्टेज आठ इसके पल में आठ के बराबर होगा सो आई टोटल इन टू आर टू I टोटल इंटू आर टू आई टोटल इंटू आर टू क्लियर है I टोटल इंटू आर टू तो वी एवी देखने का कितना तरीका है आप देख रहे हो वी एवी देखने का अगर इस ब्रांच का आर वन है आर टू है तो ये भी एक तरीका है है ना ये नजरिया बनाना आपको नजरिया बनाना है सॉरी सर हम आंसर नहीं दे पा रहे बिकॉज क्लास वन वाले का ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है मेरे फ़ोन से ओके ओके कोई बात नहीं है आप देखिए जब भी टाइम मिले उसको कंप्लीट करिएगा है ना चलिए सर कितने में से लाइव वीडियो देख रहा हूँ खाते में से लाइव वीडियो देख खाते में से क्या होता है जी खाना खा रहे हो क्या चलो 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 धीरज आ, सर आप सुपर हीरो सर हो, ओके चलो सो so, ये वोल्टेज तरीका यानी यहां का वोल्टेज देखने का नजरिया ये होना चाहिए कि ये वोल्टेज अगर नहीं कहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है तो इस ब्रांच को भी प्रिफर कर सकते हैं और पेल में इधर का भी है इधर का भी तो सर्किट है उधर का भी वोल्टेज अगर दिख जाए तो वहां भी वोल्टेज अपन बता सकते हैं सो so, एक और तरीका है वी बताने का वोल्टेज अक्रॉस इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज बताने के एक और तरीके हैं यहां का रेजिस्टेंस रजिस्टेंस आप क्या करेंगे इसके लिए देखिए इस रेजिस्टेंस का ड्रॉप निकाल लीजिए इस रेजिस्टेंस का ड्रॉप निकाल दीजिए मान लीजिए इसमें से करंट गया होगा तो इसका ड्रॉप और इसका ड्रॉप निकाल लीजिए अब वो दोनों चाहे जुड़ रहा हो या घट रहा हो करंट ऑब्वियसली आएगा तो दोनों जुड़ेगा इनका वोल्टेज मान लीजिए ध्यान से समझिएगा समझने की चीजें हैं इनके क्रॉस वोल्टेज आपको निकल गया वी वन है ना जो करंट गया होगा और इसके क्रॉस वोल्टेज निकल गया मान लीजिए वी टू so, सो यहाँ पे रेजिस्टिव ड्रॉप है तो प्लस पोलैरिटी यहाँ माइनस पोलैरिटी यहाँ प्लस पोलैरिटी यहाँ माइनस पोलैरिटी यहाँ यहाँ पैरेलल में वोल्टेज तो दोनों का बराबर ही होगा सो ये वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज आप निकाल सकते हो क्या V2 टू ये दोनों वोल्टेज अगर निकल जाएगा तब भी आपका ये वैल्यू देगा R2 होगा R2 ही तो है ये है ना r2 वोल्टेज अक्रॉस vab अरे ab तो ये बोला हूं ना ये देखिए r2 नहीं यहां तो ab बोल दिया हूं और r2 तो वही है उसी के बीच रेजिस्टेंस है ना वोल्टेज अक्रॉस ab वही होगा जो वोल्टेज अक्रॉस arab है और वोल्टेज अक्रॉस ab वही होगा जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है क्योंकि पैरेलल में है चीजें है ना खेल बोल रहा है ओके ओके चलो चलो चीजें क्लियर है आई होप यहां तक चीजें क्लियर है ये सब चीजें होती है कि कैसे पैलल में देखना है पैलल में कैसे देखना है आइए आइए एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दीजिए दस वोल्ट दस वोल्ट दो ओम तीन ओम एमीटर दो और यहां पे है आपका ओम पूछ रहा है फाइंड रीडिंग फाइन रीडिंग ऑफ एमीटर फाइन रीडिंग ऑफ एमीटर एमीटर की रीडिंग क्या होगी बताएंगे इस सर्किट का ओहो नोट्स नहीं मिला है बिल्कुल 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 ओके इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो क्या ओके okay, यहां पे आर वन होगा बाय मिस्टेक ध्यान से समझिएगा ये आर टू दे दिया किसी ने लिखा है बिल्कुल थैंक यू धीरज कुमार बिल्कुल सर वी एस माइनस वी आई आर वन होगा यहां पे पर आर वन है ना ये आर टू मैंने लिख दिया है ये इसको मिस करिए आर टू लिख दिया हूं ये आर वन होगा है ना बाय मिस्टेक यहां पर आ गया चलिए ध्यान दिलाने के लिए थैंक यू थैंक यू है ना चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन में भी अगर आंसर गलत दोगे तो कब तक बेसिक पढ़ाता रहूँगा बताओ कब तक बेसिक कराता रहूँगा जब इस क्वेश्चन में भी आंसर गलत दोगे तो बताओ कैसे काम चलेगा बताओ 5 एम्पियर अब ये वेरिएशन आ गया दो एम्पियर दस बटे सात सो वन पॉइंट सिक्स जीरो एम्पियर बताइए कहाँ है इसका मतलब बहुतों ने बहुतों ने अभी तक शुरू से क्लास नहीं देखा है शुरू से देखिए डॉट पूछिए डॉट सेशन ही चल रहा है समझिए एक तरीके से क्लास को शुरू से देखिए और आंसर करिए तभी पता चलेगा बीच में कभी क्लास ज्वाइन करते हो तो नहीं अगर बीच में ज्वाइन किया पर बैकअप तो बनाइए ना बैकअप बनाइए दिन में क्या करते हो अगर 20 26 घंटे का क्लास मुझे लगता है छब्बीस घंटे में खत्म हो जाएगा अगर दो दिन तीन दिन लगाते हो तो आप मैनेज कर सकते हो आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज देखो सीरीज कनेक्ट अलवादी कहां से आ गए बताओ सीरीज में होता है कनेक्ट लेकिन किसी का तो सीरीज में है पैलल में आपको दिख रहा है पर किसी का तो सीरीज में है है ना यही सब चीज़ दिखाना चाह रहा हूं पर आप लोग कभी देखना नहीं चाहते ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने की कोशिश कीजिए ऑब्वियसली ये सर्किट में अगर एमिटर नहीं होता तो क्या होता ये करंट तो भेजता ना जी करंट भेजता करंट भेजता अब आप इसको देखने का नजरिया बनाइए कि करंट क्या इस ब्रांच से जाएगा अरे जाता लेकिन अगर कोई परिपथ शॉर्ट नहीं होता करंट इसका इस ब्रांच से भी जाता इस ब्रांच से भी जाता इस ब्रांच से भी जाता लेकिन तब जाता जब बीच में कोई परिपथ शॉर्ट नहीं होता अब इस करंट को आने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता पता है कौन सा दिख रहा है ये शॉर्ट सर्किट परिपथ ये क्या दिख रहा है शॉर्ट सर्किट परिपथ सो यहां तो करंट जाएगा ही नहीं सो so, इस यहां पे करंट तो जाएगा ही नहीं ना करंट यहां जाएगा और ना ही करंट यहां जाएगा so, ये सर्किट कैसा बन गया है अगर इसको बाहर निकाल लूं मैं, तो ये सर्किट सिर्फ़-सिर्फ़ ऐसा बन गया। देखिएगा, एक रेजिस्टेंस है पांच ओम का और ये बेचारा एक एमीटर है अब बताइए अपने आप सीरीज में नहीं दिख रहा है क्या आपको सीरीज में नहीं दिख रहा अरे बाकी के पैल में लगा दिए कोई बात नहीं पर आपको देखिए एमिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है जीरो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आइडियली जीरो तो बताइए सर्किट क्या दिखा यही नहीं दिखेगा बताइए सर्किट यही नहीं दिखेगा आई मीन इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो दो एम्पियर डेमो चैनल अब जब बहुत के जवाब होगा बैकअप करूंगा बिल्कुल प्रयागराज से हर हर गंगे बिल्कुल हर हर गंगे चलिए जी बेसिक पढ़ना है तो सर्किट सागर का लेक्चर वन से स्टार्ट करिए लेक्चर से स्टार्ट करिए मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो समझ नहीं पाएगा हर बच्चा समझेगा इतना तोड़ के आप सोचो बेसिक एक इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट थ्योरी के अंदर पांच छह मेन टॉपिक होते हैं उसमें अभी यूनिट वन भी कंप्लीट हुआ है छब्बीस लेक्चर आज सत्ताइसवा लेक्चर है सोचो किस लेवल से बेसिक को हमने कराने की कोशिश किया है ना चलिए सुपर सर जी सो so, बोलिए ये सर्किट यही नहीं दिखेगा ये सर्किट यही नहीं दिखेगा ये सर्किट यही नहीं दिखेगा बताइए क्यों क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस तो था यहां रेजिस्टेंस तो था और इसके कारण करंट तो निकला लेकिन यहां के बाद देखा कि करंट को दोबारा लौट के सब में यहां आना है तो रास्ते एक है दो है तीन है चार है अरे देखा कि अरे पांच एम्पियर पांच ओम लोड के बाद कोई रास्ते में एक रास्ता कहीं एक रास्ता ऐसा है जिसमें कोई प्रतिरोधी नहीं है सो करंट फ्लो करेगा? शॉर्ट सर्किट परिपथ से तो ऐसे कंडीशन में इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा जो आप मैथमेटिकल निकालोगे वही इस परिपथ का करंट होगा सो दस बट्टा पांच बराबर दो एम्पियर दस बट्टा पांच बराबर दो एम्पियर यस दस बट पांच बराबर दो एम्पियर दस बटा पांच बराबर दो एम्पियर किसी को अब भी सर्किट नहीं दिख रहा कि कौन पैरेलल में कहां से गुजर जाएगा ध्यान रखना करंट ऑलवेज ट्राई टू फ्लो शॉर्ट सर्किट पाथ देखिएगा मैं बता रहा हूं यहां पर अगर बहुत कोई गलती कर रहा है तो मैं बता रहा हूं जय महाकाल जय महाकाल जी चलिए देखिएगा एक रेजिस्टेंस यहां है और दूसरा शॉर्ट सर्किट पाथ है और कोई कहेगा करंट तीन एम यहाँ आ रहा है तो बताइए इसके परिपथ से करंट जाएगा या इस परिपथ से तो सीधे आप कहोगे सर इस परिपथ से ही टोटल करंट गुजर जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट पाथ है और इधर से अगर तीन ओम का रेजिस्टेंस है तो करंट गुजरेगा ही नहीं क्लियर है कि नहीं बताइए यही चीज़ तो हो रहा है यहाँ से करंट निकला इस वोल्टेज सोर्स से करंट यहाँ तक निकलेगा उसके बाद कई रास्ते पैनल में सो so, ये गुजरेगा किस रास्ते से शॉर्ट सर्किट पास से क्यों क्योंकि का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है जीरो का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है जीरो सर इलेक्ट्रॉनिक्स का अरे ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में आता है सर्किट थ्योरी या नेटवर्क इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का कॉमन पेपर ना होता है जी बोलिए चलिए चलिए और किसी को अच्छे से देखना है कि सर इसको और बढ़िया से हमको देखना है तो जगह तो नहीं है कुछ एक नया सॉफ्टवेयर डालूंगा जिसमें इसको रिड्यूस कर कर सकता हूं एक्सपेंड कर सकता हूं सो so, और भी इसको बढ़िया से देखना है किसी का और भी बढ़िया देखिए देखिए यहां के बाद सब पॉइंट आपस में शॉर्ट है यहां के बाद सब पॉइंट आपस में शॉर्ट है तो इसको और बेहतर तरीके से देखा जा सकता है इसको और बेहतर तरीके से देखा जा सकता है कि एक ब्रांच ऐसा है जिसमें रजिस्टेंस है पाँच ओम का और वोल्टेज सोर्स है दस वोल्ट का और इसको खींच के ले आइए नीचे है ना खींचा इसके वायर को खींचा दूसरा इस सब ये 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 सब आपस में क्या है पैरेलल में ये 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 सब आपस में पैरेलल में सो so, दूसरा रेजिस्टेंस में चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ दो ओम तीसरा रेजिस्टेंस में लिखूँ तो लिख सकता हूँ तीन ओम चौथा एमीटर है तो मैं लिख सकता हूँ ये कैसा है एमिटर मतलब एमिटर और अब देखिए कोई देखना चाहे एमिटर क्या है अगर उसका रेजिस्टेंस लिख लूँ तो एमिटर क्या एक शॉर्ट सर्किट पाथ है जिसमें एमिटर लगा हुआ है वो शॉर्ट सर्किट परिपथ है और आगे बढ़िए आगे बढ़िए ये भी एक ही पॉइंट से मिला हुआ है जिसका प्रतिरोध है दो अब बताइए अब समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को अब समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए सर बेसिक से करवा रहे हो बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ ऑफलाइन बैचेज कहाँ चलता है सर ऑफलाइन चलेगा पटना में है ना ऑफलाइन आप आपको देखने को मिलेगा पटना के अंदर आई होप पांच मार्च तक हम लोग शुरू करने की कोशिश करने वाले हैं पांच मार्च तक ठीक है चलिए मैं बता दूंगा सारा एड्रेस आपको यूट्यूब पे मिलेगा सो so, सो so, अब बात यहां पे करूं तो एक रास्ता ऐसा है जो इसी में जो वोल्टेज तो निकला यहां से वोल्टेज के कारण करंट तो निकलेगा क्योंकि इसके सीरीज में है तो रास्ता पहले रेजिस्टेंस दिखा तो करंट तो यहां निकलेगा लेकिन जब इस पॉइंट पे आएगा और इस पॉइंट पे करंट जहां इतना करंट जाएगा आई तो लौट के तो इतना ही आना तो करंट को जब लौट के आना है तो रास्ते रास्ता एक है दो है तीन है चार है अगर सब में इस रेजिस्टेंस ऊपर नीचे होता तो करंट सबसे बढ़ता हुआ टोटल आके फिर जुड़ जाता लेकिन एक परिपथ ऐसा है जो शॉर्ट है क्यों क्योंकि एमिटर लगा है एमिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो एक परिपथ शॉर्ट है तो करंट ना तो इससे जाएगा ध्यान से समझिए करंट ना तो इससे अब जाएगा इससे फटाक से देखा अरे एक रास्ता तो शॉर्ट सर्किट है सो ना करंट इससे जाएगा ना करंट इससे जाएगा करंट टोटल तो किससे जाएगा इस एमिटर के वायर से जाएगा जिसका देख रहा रेजिस्टेंस जीरो सो परिपथ कैसा बन गया लूप कैसा बन गया पांच ओम का परिपथ शॉर्ट वायर है दस सो करंट दो एमपियर सो करंट कितना दो एमपियर जिधर रेजिस्टेंस मिनिमम होगा उधर ही करंट स्वाभाविक रूप से जाएगा रेजिस्टेंस मिनिमम नहीं होगा रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट ज्यादा चला जाएगा और करंट कम चला जाएगा ऐसा होता है अब ये कंफ्यूजन भी बच्चे को होते हैं चलिए आपने ये बोला तो मैं अभी बत, बता दूं डीपली समझाते हो सर आप ओके करण जी आई होप चीजें क्लियर होंगी ये क्लियर होंगी यहां से समझे एक और चीज समझे ध्यान समझिएगा अगर रेजिस्टेंस दो बात है दो चीजें हैं एक रेजिस्टेंस ऐसा होगा एक रेजिस्टेंस ऐसा होगा एक सर्किट फिर से समझिए यहां पे एक रेजिस्टेंस ऐसा होगा और एक होगा शॉर्ट सर्किट तो अगर कोई कहे कि इससे तीन एम्पेयर का करंट जा रहा है और इससे भी तीन एम्पेयर का करंट जा रहा है समझिएगा बहुत बढ़िया लॉजिक है बहुत बढ़िया लॉजिक है समझिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर कोई कहेगा कि यहाँ सौ ओम है और यहाँ एक ओम है ध्यान समझिएगा और कोई कहेगा कि यहाँ पे सौ ओम है और यहाँ जीरो है। ये सर्किट है ना, सर्किट है, जीरो है तो समझने की कोशिश कीजिए ऐसा नहीं कि करंट अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में रेजिस्टेंस अगर कहीं एक है एक सौ है एक हजार है तो सब यहीं से गुजरेगा ऐसा नहीं है यहां से कम करंट गुजरेगा और यहां से करंट ज्यादा गुजरेगा अगर सब ब्रांच में बटा हो करंट तीन एमपियर आ रहा हो तो यहां से ज्यादा ज्यादा जाएगा जो पैल ब्रांच होगा लेकिन यहां क्या जीरो जाएगा ऐसा नहीं है यहां से भी जाएगा पर कम जाएगा जाएगा यहां से ज्यादा लेकिन ऐसा परिपद दिख जाए जहां चाहे ओम रेजिस्टेंस क्यों ना हो लेकिन दूसरे साइड अगर शॉर्ट दिख जाए तो टोटल करेंट इसी रास्ते से जाएगा इससे कोई भी करेंट नहीं जाएगा यह दिमाग में होनी चाहिए तो यह भी चीज समझना है मिनिमम रेजिस्टेंस से टोटल करेंट नहीं जाता में

शॉर्ट सर्किट पार्थ नॉट शॉर्ट पार्थ शॉर्ट सर्किट पार्थ टुडे इज बर्थडे संदीप ओके चलो वेलकम ब्रो थैंक यू चलिए थैंक यू ठीक है ना चलो काफी टाइम भी हो गया मुझे लगता है एक घंटा हो गया आज रहने देता हूं क्लास को है ना सुबह से खाना वाना भी नहीं हो पाता है ना और क्लास के टाइम हो जाते हैं उठते उठते क्लास के टाइम हो जाते हैं इसीलिए हमेशा लेट हो जाता हूँ ठीक है ना चलिए और एक खुशी की बात बताता हूँ आप सबों के लिए आप सबों के लिए आज मैं इसी को रिसीव करने जा रहा हूं हाँ। ओके दिस इज बलेनो ओके इस कार को मैं रिसीव करने जा रहा हूं आप लोगों की दुआ है जिसके कारण ये है आज ठीक है ना आज इसी को रिसीव करने जा रहा हूं दिस इज बलेनो ओके और बाकी कल की क्लास एज इट इज कंटिन्यू रहेंगी है ना फिर मिलेंगे कुछ बेहतर कंटेंट के साथ आपके साथ है ना तो कहां गए हम कहाँ गए हम कहाँ गए हम कहाँ गए हम पहला लेक्चर पे था ना तो आज के सेशन को करता हूं एंड मिलते हैं है ना ओके सर आप अपना कर दे दीजिए सर ओके ठीक है मिलते हैं कुछ बेहतर कंटेंट के साथ लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट में अब हमको लगता है बेसिक क्लियर हो चुका होगा अब भी बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो हम कुछ और बेहतर कंटेंट आपके साथ लाने की कोशिश करेंगे ओके चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक्स टू ऑल थैंक्स टू ऑल ओके और पार्टी पार्टी कभी पटना आओ तो फिर मिलेगी। तो पर, पार्टी मिलेगी पटना आइए तो पार्टी मिलेगी बेशक मिलेगी सर एक और भी बी एच सिक्स ओके okay? राजस्थान डिप्लोमा की एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे फिर बिल्कुल अब नहीं है तो स्ट्राइक करेंगे है ना स्ट्राइक करेंगे कि डिप्लोमा को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ओके आज के लिए इतना ही गुड बाय